सागर गांव अचीना ताल पुलिस चौकी के समीप बाइक व बुलेरो गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार छात्र की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव अचीना निवासी दोनों छात्र बाइक पर सवार होकर दादरी की ओर आ रहे थे। घायल छात्र को रोहतक PGI रेफर किया गया है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं बुलेरो गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। एक बता दो, खेत में टीप समेट रहे साल में और तेज रफ्तार थी, ट्रैक्टर की साइड ले था, गद तेज रफ्तार थी, गाड़ी आओ थी, गाड़ी रन में मार दी। कितकी बात है? अचीना ताल चौकी से गांव की साइड। क्या जने थे? दो जना थे जी। के नाम भाई का अशोक नाम है, दूसरा का नाम को नाम है। सूचना मिली कि अचीना रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, उस शराब ठेका वहीं पे नजदीक है। सूचना मिलने पर हम वहाँ मौका पर गए तो इंजर्ड अवस्था में एक वहाँ पे मौजूद था और एक वो पहले ही ले जा चुका था, दूसरे को अपनी कमरा लगी छाता से उसको भी पहुँचाया गया। जो नितिन नाम का जो लड़का था वो डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित कर दिया और अशोक कुमार था उसको रेफर PGI रोड तक किया, जिसकी हालत गंभीर है। और अभी कार्रवाई के लिए पूछा हूँ, जो वारिसान भी पूछ चुके हैं, इनके बयान पे कार्रवाई करके जो कार्रवाई बनेगी। गांव अचीना निवासी छात्र नितिन अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर दादरी की ओर आ रहे थे। अचीना ताल पुलिस चौकी के समीप तेज रफ्तार बुलेरो गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। बाद में दोनों को उपचार के लिए दादरी के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने नितिन को मृत घोषित कर दिया और उसके साथी अशोक कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक PGI रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक नितिन दादरी में हार्ट्रोन सेंटर का छात्र था और बाइक से दादरी सेंटर में आ रहा था, इसी दौरान हादसे में उसकी मौत हो गई। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।